नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर उपभोक्ताओं के आंसू निकालने वाला प्याज इस साल किसानों को रुला रहा है। प्याज के दाम किसानों की उत्पादन लागत से भी कम है। प्याज की खेती के लिए नागौर जिले में डिडवाना और कुचामन क्षेत्र अपनी विशेष पहचान रखता है, लेकिन इस बार किसान बेहद निराश है। प्याज की खेती करने वाले किसानों को उनकी लागत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई के चलते लागत पिछले साल की बजाय दुगनी हो चुकी है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी किसानों को प्याज के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि कम भाव के चलते उनका अब लागत चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। प्याज की खेती करने वाले किसानों की हालत बेहद खराब है, क्योंकि इस बार प्याज के भाव नहीं होने से किसानों को लागत से भी कम पैसे मिल रहे हैं। पिछली बार भाव अच्छे थे और इस बार आधे हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में लागत भी करीब 7 से 10 रुपए प्रति किलो आ रही है, लेकिन यहाँ प्याज के भाव 6 से 8 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे में फसल की लागत चुका पाना भी मुश्किल हो रहा है। किसानों का ये भी कहना है कि प्याज वाले किसानों को प्याज के कम भाव लुला रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी किसानों को प्याज के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, इससे किसानों में नाराजगी भी है। किसानों ने अपने प्याज को बीमारियों से बचाने के लिए काफी पैसे खर्च कर दिए हैं, लेकिन किसानों को अब तक उनके हिसाब से प्याज के दाम नहीं मिल रहे हैं। अब किसान जमीन से प्याज की खुदाई करने की बजाय ट्रैक्टर चलाकर जमीन में ही इसे दफन कर रहे हैं, क्योंकि प्रति बीघा प्याज निकालने में 7 से 8 हजार रुपए तक का खर्च आता है। किसान अभी मौसम की मार झेल रहे हैं, तो किसान कभी मंडी के भावों में अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। किसानों को इस बार प्याज की फसल में भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में किसान और ज्यादा कर्जदार हो जाता है। जरूरत इस बात की है कि प्याज सहित नुकसान वाली फसलों पर सरकार किसानों की मदद करे। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।